अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हो। उम्मीद करता हूँ सब व्यूवर ठीक ठाक होंगे। तो व्यूवर, आज की वीडियो के अंदर हम आपको इस तरह की वीडियो एडिटिंग करना सिखाएंगे जैसे कि आप प्रीव्यू में देख रहे हैं। इस तरह की वीडियो एडिटिंग के लिए आपको जिन जिन चीज़ों की जरूरत होगी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आपने सिंपली नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर लेनी है। तो सिंपली सबसे पहले हमें चाहिए VN ऐप। सिंपली आपको ये प्ले स्टोर से ईजिली मिल जाएगा, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद सिंपली ओपन कर लेना है। आपको नीचे यहाँ प्लस के आइकॉन मिलेगा, ब्लू ऑप्शन मिलेगा, जहाँ क्लिक करेंगे जहाँ से न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे आ जाएंगे। न्यू प्रोजेक्ट के अंदर आएंगे तो सिंपली आपके सामने आपकी वीडियो आ जाएगी। जो सी आप वीडियो के ऊपर लिरिक्स लिखना चाहते हैं आपने सिंपली वही वीडियो को ऐड कर लेना है। इस तरह की वीडियो आपको टिकटॉक से ईजिली मिल जाती है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपने करना क्या है, उसके बाद आपने किस साइज़ के अंदर बनाना चाहते हैं आपने वो साइज़ सेलेक्ट कर लेना। ऊपर आपने रीजनल के ऑप्शन पे आना, जहाँ क्लिक करेंगे जहाँ से आपको मुख्तलिफ साइज़ मिल जाते हैं। आपने अपनी मर्ज़ी का कोई भी साइज़ सेलेक्ट कर लेना, जहाँ से मैं ये वाला साइज़ सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा कर लेना है, ऐसे जूम कर लेना है ऊपर की तरफ। जूम करने के बाद सिंपली आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले आपने आना है जहाँ फ़िल्टर के ऑप्शन पे, जहाँ से कोई अच्छा सा फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। जहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी फ़िल्टर अप्लाई कर ले, जैसा कि मैं जहाँ से आर्जी तौर पे ये अप्लाई कर लेता हूँ, ओके करता हूँ, ये फ़िल्टर हमारा ये इस वीडियो के ऊपर लग गया है। वीडियो के आखिर पे आकर आपने वीडियो का ये वाटर मार्क को ये रिमूव कर देना है। तो वाटर मार्क रिमूव करने के बाद सिंपली आपने करना क्या है, उसके बाद आपने अपना एक वीडियो ऐड करनी है। सिंपल आपने PIP के ऑप्शन पे आना है, फोटो एंड वीडियो के ऑप्शन पे आना है, नीचे गैलरी में आना है, जहाँ से आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो, आपने वहाँ से आके डाउनलोड कर लेनी है इजीली। तो सिंपली आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, आपने वहाँ से आके वीडियो ले लेनी है। तो सिंपली मैं अपनी वीडियो ले लेता हूँ। तो सिंपली मैंने ये एक वीडियो ऐड कर लिया है। वीडियो ऐड करने के बाद वीडियो को थोड़ा सा फिंगर की मदद से जूम कर लेना है। जूम करने के बाद सिंपली आपने करना क्या है, सिंपली आपने सबसे पहले इसकी वॉल्यूम को बंद करना है। वॉल्यूम बंद करने के बाद सिंपली आपने आगे आना है, आगे आपको मिल जाता है ब्लेंडिंग का ऑप्शन, जहाँ क्लिक करेंगे जहाँ से आपने लाइट इन कर देना है, जहाँ स्क्रीन कर देना है, जहाँ से दोनों में से आप एक यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने करना क्या है, ये हमारी वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी है, तो सिंपली आपने अगर आपकी ये वीडियो ज़्यादा होगी तो सिंपली आपने फिर आना है जहाँ PIP के ऑप्शन पर, वीडियो के ऑप्शन पर आना है। तो यहाँ से गैलरी में से फिर आपने वही इंपोर्ट कर लेना है जो सा आपने पहले किया हुआ है। तो जैसे कि मैंने ये इंपोर्ट कर लिया है, तो इसको थोड़ा सा फिंगर की मदद से जूम करके फिर उस तरह से रख लेना है ऐसे। उसके बाद इसके भी वॉइस को कर देना है बंद। तो सिंपली मैं इसके वॉइस को बंद कर देता हूँ। उसके बाद आगे आएंगे, फिर आपने ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर आना है, जहाँ से इसको स्क्रीन कर देना है। तो स्क्रीन करने के बाद सिंपली ये हमारी वीडियो के ऊपर कम्प्लीटली हो गया है, लग गया है। उसके बाद आपने करना क्या है, उसके बाद PIP के ऑप्शन पे आना है, फोटो एंड वीडियोस के ऑप्शन पे आना है, फोटोज़ के अंदर आना है। तो जहाँ से आपको ये बॉर्डर मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आपने वहाँ से आकर डाउनलोड कर लेना है। तो जहाँ से डाउनलोड करने के बाद इसको आपने बॉर्डर को जहाँ से ये वाले को फुल स्क्रीन कर देना है इस वीडियो के ऊपर, वीडियो के ऊपर ये लग जाएगा। उसके बाद आपने करना क्या है, उसके बाद इसको थोड़ा सा नीचे ले आएँ, तो जहाँ इसकी आप डुप्लीकेट कर लें ये ऊपर आ जाएगी। तो सिंपली आपने इसको कट कर देना ऊपर वाली को, ऐसे कर कर बड़ा कर कर वीडियो का एक्स्ट्रा ले आना है। तो उसके बाद आपने करना क्या है, उसके बाद आपने अपने लिरिक्स ऐड करने हैं। लिरिक्स ऐड करने के लिए आप देख सकते हैं ये हमारे लग चुकी है इसके ऊपर। लिरिक्स ऐड करने के लिए सिंपली आपने टेक्स्ट के ऑप्शन पर आना है, न्यू टेक्स्ट के ऑप्शन पर आके यहाँ से न्यू टेक्स्ट ऐड करना है। न्यू टेक्स्ट ऐड करने के लिए आपने सबसे पहले उर्दू कीबोर्ड को अप्लाई कर लेना है। उर्दू कीबोर्ड के अंदर अपने सभी लिरिक्स लिख लेने हैं। उसके बाद एफ के ऑप्शन पे आना है, जहाँ से कोई अच्छा सा फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है। जैसा कि मैं जहाँ से कोई अच्छा सा फॉन्ट अप्लाई कर लेता हूँ, ये वाला फॉन्ट अच्छा है। उसके बाद आपने कलर के ऑप्शन पर आना है, कलर आप इसका कोई भी रख सकते हैं, मैं ब्लैक रखूँगा। उसके बाद आपने जहाँ से इसको स्ट्रोक भी थोड़ी सी दे देनी है, तो स्ट्रोक हम इसको दे देते हैं थोड़ी सी स्ट्रोक, आपने इसको नॉर्मल 3 दे देनी है। उसके बाद आपने जहाँ से इसकी स्पेस वगैरह कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको खींच कर अपनी वीडियो के आखिर तक ले जाना है। वीडियो के आखिर तक ले जाने के बाद सिंपली आपने करना क्या है, इसको थोड़ा सा खींच कर नीचे ले आना है ऐसे। नीचे ले आने के बाद सिंपली एनिमेशन के ऑप्शन पर आना है, जहाँ से आपने अपनी एनिमेशन कोई भी अपनी मर्ज़ी की लगा देनी है।
तो सिंपली मैं जहाँ से इस तरफ को एनिमेशन लगाऊंगा, उसके बाद आउट एनिमेशन इसको फेड वाली लगाऊंगा। फेड वाली लगाने के बाद सिंपली जी एनिमेशन हमारी लग चुकी है, उसके बाद इसको प्ले करके सुनेंगे जहाँ से हमारा ये लिरिक्स ख़त्म हो रहा है। सिंपली आपने वहाँ से सेपरेट करना है, आगे वाले पे क्लिक करेंगे, इसको रिमूव करेंगे, तो इजीली आप जब लिख कर रखेंगे इसको आप जल्दी जल्दी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली मैं इसको प्ले करके जल्दी जल्दी से अपने सभी लिरिक्स ऐड कर लेता हूँ। तो आप भी अपने सबसे पहले लिरिक्स लिख कर रख लें, उसके बाद इसको ऐड कर लें। तो ये जो सा कीबोर्ड मैं यूज़ करता हूँ, इसका नाम है जी बोर्ड। ये आपको मोबाइल के अंदर पहले से मौजूद होता है, इसके अंदर आप इजीली अपने यहाँ से उर्दू कीबोर्ड के अंदर ये सेव कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं अपने सभी जल्दी जल्दी से लगा लेता हूँ। तो इस तरह से मैंने अपने सभी से यहाँ से लिरिक्स अपने ऐड कर लेने हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है, आप भी अपनी मर्ज़ी से अपने जो भी लिरिक्स होंगे आप पहले लिख कर रख लेंगे, तो आपको इजीली ये आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप लिख कर नहीं रखेंगे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, आप न्यू होंगे, अगर आप न्यू बिगनर है इस तरह के एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरह की वीडियो टिकटॉक पर बहुत ही ज़्यादा चलती होती है लिरिक्स वाली, उसके बाद इस तरह के अकाउंट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फॉलोअर्स और लाइक्स मिलियन के अंदर आते हैं। आप किसी भी तरह के बना सकते हैं, इसके अंदर सलामी हो सकती है, आप इस तरह के लिरिक्स वाली भी बना सकते हैं। तो सिंपली मैं आप मेरे चैनल पे आपको इस तरह की बहुत ही ज़्यादा वीडियोस देखने को मिल जाती है, आप उसको वॉच कर लें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी अच्छी एडिटिंग मैंने अपने चैनल पे सिखाई हुई है, जैसे कि जी मेरे सामने इस तरह से आ रहे हैं। तो सिंपली वीडियो हमारी थोड़ी सी इस तरह से है, सॉरी हमने एक गलती कर दी है, वो आपको बताता हूँ क्या की है। सिंपली जैसे कि जहाँ तक हमारी वीडियो सही नज़र आ रही है उसके बाद ये ब्लैक हो जाती है, तो ये वाली जहाँ से, तो आपने इसको क्लियरली आपने इसको एडिट करना है कि देखने वाले को ये लगे कि आपने बहुत ही अच्छी वीडियो एडिट की है। तो सिंपली मैं इसको थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, थोड़ी सी ये वाइट बॉर्डर जो से मैंने लगाए हुए हैं ये थोड़े से ऊपर नीचे हो गए हैं, सिंपली इस तरह से आपने लगा लेनी है। उसके बाद आपके सामने ये इस तरह से आ जाएगी, हमने आपने प्ले करके सुन लेना है। जहाँ से आपका लिरिक्स आगे पीछे हो तो सिंपली आपने उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद सिंपली आपने ऊपर आना है, आपको मिल जाता है सेव का ऑप्शन, जहाँ से सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे नीचे आपको मिल जाता है एक्सपोर्ट। तो सिंपली आपने एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जब ये एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा तो जैसा कि आपके सामने ये एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गया है। तो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। हमारे चैनल के ऊपर बहुत ही अच्छी अच्छी एडिटिंग सिखाई जाती है, आपको अगर और कोई एडिटिंग सीखना चाहते हैं आप मेरे इंस्टाग्राम मैडी के ऊपर मुझे बता सकते हैं कि मुझे इस तरह की एडिटिंग सीखनी है, आप काइंडली मुझे वीडियो बना कर दें, इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो बना कर दूंगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक इजाज़त, खुदा हाफिज़।